हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लेस डू इट पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। यह चैनल आपको प्रोवाइड करवा रहा है हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कि आप किस तरीके से अपने आप को हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। उसी के संदर्भ में ये मेरी एक और क्लास है जी, जिसमें आज हम करने वाले हैं मुहावरे व लोकतियाँ। यह है हर एग्ज़ाम में आने वाला, जहाँ हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी भाषी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये अधिकतम आने वाला एक अच्छा विषय है, मुहावरे व लोकतियाँ। आज का जो अपना विषय रहेगा उसमें हम बहुवैकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। यह एक 50 प्रश्नों की सीरीज होगी, जिसमें आपसे अलग अलग प्रकार के मुहावरे व लोकतियाँ पूछी जाएगी। यह सीरीज जैसे ही ख़त्म होगी उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो आपका समय खराब ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर जहां आपसे हिंदी ग्रामर पूछी जाएगी वहां मुहावरे लोकतियां पूछी जाएगी। चाहे अभी पंजाब में होने वाले एग्ज़ाम हो, चाहे वो ईटीटी का हो, हिंदी मास्टर कैडर का हो, उसके अलावा एसएससी में जहां हिंदी पूछी जाती है, इसके अलावा जितने भी ईटीटी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनका विषय हिंदी, उसमें भी यह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का पहला क्वेश्चन। मैं आपको चारों ऑप्शंस पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद आपने उनका आंसर अपने हिसाब से लिख लेना है या खुद से टिक कर लेना है। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। अपने साथ एक कॉपी पेन अवश्य रखिए, क्योंकि जैसे ही एक्स्ट्रा चीज बतानी हुई मैं आपको साथ के साथ बता दूं। पहला क्वेश्चन है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूरज पर थूकना ये एक मुहावरा है, उसका आपको सही अर्थ बताना है। देखिए जी, आपसे अर्थ पूछ सकता है, वाक्य का अर्थ दिया होगा आपको उसका मुहावरा पूछ सकता है, आपको एक मुहावरा बना के दिया होगा कि ये मुहावरा किस तरीके से बना है, इसमें दिया गया मुहावरा मुझे बताओ। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सूरज पर थूकने का सही अर्थ आपने पता कर लिया होगा, लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। सूरज पर थूकना कोई आसान कार्य नहीं है, इससे आप याद रख सकते हो, ट्रिक बना सकते हो, एक ध्यान में रखने वाली बात है कि सूरज पर थूकना कोई आसान कार्य नहीं है, तो असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना। दूसरा अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कार्य समाप्ति में देर करना है? देखिए जी, ऊपर दिया हुआ क्वेश्चन और ये दिया हुआ क्वेश्चन में फर्क है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर करना? तो देखिए कौन सा है, सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगाना। देखिए जी, इसमें आपा दो मुहावरे हैं, वो दोनों ही कर लेंगे। एक है जी हथेली पर सरसों उगाना, इसका मतलब होता है किसी कार्य को आप जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी करना, कार्य समाप्ति में देर होने का बिल्कुल उल्टा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो तीन नंबर, इसका होगा जी तीन नंबर, दिल्ली दूर होना। आगे है जी, आ बेल मुझे मार, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ बेल मुझे मार कहावत या लोकति या मुहावरे का अर्थ क्या है? बैठे बिठाए आफत मोल लेना, कठिन कार्य करना, बेल को हल में जोतना, बेल द्वारा मार गिराना। तो इसका उत्तर होगा बैठे बिठाए आफत मोल लेना, आ बेल मुझे मार, एक नंबर होगा इसका। सुशील ने प्रतिपक्षी पहलवान को डैश कर दिया, वाक्य में रिक्त स्थान पर
निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? अभी आपको एक वाक्य दिया गया है, उसमें एक खाली स्थान दिया गया है कि आप इसके अंदर कौन सा मुहावरा लिख सकते हो। दिल निकाल कर रख देना, गुड़ गोबर करना, कतर ब्योत करना, चारों खाने चित करना। तो इसका उत्तर होगा चार नंबर, चारों खाने चित करना। निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प में मुहावरे की दृष्टि से असंगत प्रयुक्ति हुई है? देखिए जी, यहां पर दिए हुए वाक्य में आपसे ये पूछ रहा है कि जो नीचे दिए गए चार ऑप्शंस है वहां वाक्य क्या सही प्रयोग नहीं किया गया है, वो आपको असंगत चुनना है। जी ध्यान से पढ़ना है, हमेशा असंगत नहीं है ये शब्द हों तो उनको पहले ही अंडरलाइन कर लें, क्योंकि इनमें गलतियां हो जाती हैं। पुलिस ने दंगियाइयों पर लाठीचार्ज कर तितर बितर कर दिया, तितर बितर कर दिया, ठीक है जी। लड़कों ने धूप में बाल सफेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं, इसलिए हारते ही जा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा के दिनों में छात्रों को पढ़ने की धुन सुहारती है, सुहार रहती है। भारतीय टीम की हार से क्रिकेट प्रशंसकों का दिल टूट गया। यहां देखिए जी, मैं आपको मुहावरे बता देता हूं कौन सा है, दिल टूट गया, पढ़ने की धुन सुवार रहती है और बाल सफेद नहीं। देखिए जी, इसमें से असंगत बताना है तो दो नंबर होगा, लड़कों ने धूप में बाल सफेद नहीं किए इसलिए हारते ही जा रहे हैं। अगर लड़कों ने बाल धूप में नहीं सफेद किए होते तो वो हारते नहीं, मतलब ये गलत है, तो अपना असंगत होगा दो नंबर। इनमें से किस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग किया गया है? मुहावरे का गलत प्रयोग किया गया, देश के लिए सैनिक सर पर कफन बांध कर चलते हैं, सरकारें आजकल काम करने की बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने में अधिक लगी हुई है, मैंने कई लोगों की जूतियां उठाई तभी आज यहां पहुंचा हूं, कई लोगों की जूतियां उठाई तभी आज यहां पहुंचा हूं, उसे व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई। देखिए जी, इनमें से कौन सा अलग है? मैंने जो भी मुहावरे यहां यूज हुए हैं उनको पेंसिल से अंडरलाइन किया, रेड किया, ये मुहावरे हैं जी। आपने हमेशा सुना होगा सर पर कफन बांधना, मतलब हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहना, सैनिक तैयार रहते हैं, ये सही है जी। गलत बताना अपने को, सरकारें आजकल काम की करने की बजाय कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है काम ना करना, सिर्फ बातें बनाना। तीसरा है जी जूती उठाने का मतलब, यहाँ पे ये नहीं है किसी की जूती उठा लेना, मतलब पूरी मेहनत करना, मेहनत के साथ कार्य करना। चार नंबर, उस व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी चांदी कट गई, चांदी कट जाने का मतलब होता है किसी चीज में लाभ होना, तो इसका होगा जी चार नंबर गलत है, छह का चार नंबर। अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थात अर्थ हेतु उपयुक्त लोकति क्या है? अनाधिकारी, जिसके पास कोई अधिकार ना हो उसको कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसमें क्या होगा, क्या इसमें से अर्थ होगा? खूंटे के बल बछुड़ा कूदे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, तीन नंबर होगा इसका, इसका होगा जी तीन नंबर। आगे देखिए, जो लोग अपनी जेब की तरफ ना देखकर खोखली शान में सीमा से अधिक धन खर्च करते हैं वे कर्ज में डूब जाते हैं, जबकि चाहिए यह है कि रिक्त स्थान पर अपने को लिखना है। क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए? तेते पांव पसारिए, जेते लंबी सोर, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरना काट, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना। देखिए जी, सभी यहाँ पे लोकतियां दी गई है, लोकतियों हमेशा मुहावरे से बड़ी होती हैं, सामान्यतः बड़ी होती हैं, तो इसमें से अपना आंसर होगा एक नंबर, आठ का एक होगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरना काट, चंदन की चुटकी भरी यानी थोड़े से भी काम कर आप बड़ा नाम कमा सकते हैं, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज किया, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं या आपने कोई चीज चख ली या कुछ कार्य कर लिया तो और उसके विपरीत आप कार्य नहीं कर रहे तो तीन नंबर होता। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना का और मुट्ठी चने का मतलब है कि कभी आपके पास खाने के लिए या आपके पास इतना पैसा हो कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं, और कभी आपके पास इतना बुरा समय आ जाए कि पैसे ना हो या आपका कार्य ना चल रहा हो, तो ये लोकति यूज होती है जी, पर यूज की जाती है। नौ नंबर, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा। इसी तरीके से भी क्वेश्चन
पूछा जाता। अब पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा नीचे दिया है जी, वो क्या होगा? बच्चिया के ताऊ, बुगला भगत, पेंत्रेबाज, माई का लाल। 9 नंबर का आप देखिए जी क्या होगा, 9 नंबर में आपका क्या होगा? तो बुगला भगत, इसका क्या होगा जी? बुगला भगत, पेंत्रेबाज, पाखंडी व्यक्ति का मतलब पेंत्रेबाज होता है, पर अपने को क्या चाहिए था? उपयुक्त मुहावरा। माई का लाल का मतलब होता है किसी को जब आप ललकारते हैं कि माई का लाल है तो हाँ मेरे से लड़, यानी किसी को चुनौती देना। बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झांकना, कली खिलना। तो बाहें खिलने का मतलब क्या होता है? बहुत खुश होना। पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है, पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना। अगर आप किसी के साथ पक्षपात करते हैं किसी के साथ, तो कौन सा मुहावरा यूज होगा? चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे, तिनके की ओट में पहाड़, तिनके की ओट में पहाड़। इनमें से आप चुनिए कौन सा होगा पक्षपात पूर्ण व्यवहार। देखिए जी 3 नंबर, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। यहां पक्षपात पूर्ण व्यवहार के लिए यूज हुआ है कि अपने अपने को ही कोई चीज देना। दाल में काला होना मतलब किसी बात, किसी योजना में गड़बड़ होना या किसी से आप कोई बात छुपाना। चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है कि आप इस तरीके की बात नहीं जानते जो आपको पता थी, आपके पास ही थी, आपकी जानकारी में थी। तिनके की ओट में पहाड़, तिनके की ओट में पहाड़ का मतलब होता है कि आपको बुरे समय के अंदर किसी का सहारा मिल जाना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही विकल्प चुनिए, यथार्थ, उल्टा, लाक्षणिक, सामान्य। यहां पूछा है कि मुहावरे का अर्थ होता है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, मुहावरा क्या आपको प्रकट करता है? हमेशा लाक्षणिक होता है, उसका एक लक्ष्य होता है, वो आपको बताता है। हमेशा मुहावरा जो यूज होता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो कभी भी भटका हुआ, रास्ते से भटका हुआ नहीं होता। वो हमेशा सीधी बात करता है, कम शब्दों में ज्यादा बात कहने वाला, गागर में सागर वाली बात करता है मुहावरा, गागर में सागर वाली बात करता है जी। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना का आशय इनमें से कौन सा है बताओ जी? मुश्किल काम करना, समय बर्बाद करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना, अपना मत अलग ही रखना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, तो इसका होगा जी अपना मत अलग ही रखना। 4 नंबर, क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता, इसके लिए कौन सी युक्ति ठीक है या कौन सा मुहावरा ठीक है? टूटी को क्या जान, क्या जोड़ना गांठ पड़े ना रहे, टूट चाप नहीं जुराए रसीने, टूटी की क्या बूटी, टीडी के रोके आंधी नहीं रुकती। तो क्रोध करने से बिगड़ा काम ठीक नहीं होता, इसके लिए कौन सा होगा? तो इसके लिए अपना होगा जी 2 नंबर, टूट चाप नहीं जुराए रसीने। तो इसका होगा जी 2 नंबर, 14 का 2 नंबर। 15, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना, बहुत प्यार करना, सफलता प्राप्त करना, घृणा करना। तो इसका होगा जी बहुत परेशान करना, नाक में दम करना। जैसे आप बना सकते हो कि पाकिस्तान ने भारत की नाक में दम कर रखा है। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ है जी, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? टाल देना, हार मानना, उदास होना, श्रम करना। तो इसका होगा जी घुटने टेकना, हार मानना, गिव अप कर देना जी। अगर इंग्लिश में पूछे तो गिव अप, घुटने टेकना, हार मानना। 17 नंबर से, बड़े सम्मान और सत्कार से स्वागतम करना, यह अर्थ किस मुहावरे का है? सिर चढ़कर बोलना, सिर उठाना, सिर थाम के बैठना, सिर आंखों पर बिठाना। तो सर आंखों पर बिठाना 4 नंबर होगा जिसका। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकत्ति का अर्थ है? यदि हाथ का हथियार ना हो तो संसार में कुछ पूछनी होती। शुभ कार्य के लिए किसी से क्या पूछना, प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता? होनहार होकर ही रहती है। तो इसमें से आपका 3 नंबर होगा जी प्रत्यक्ष बात के लिए किसी से क्या पूछना, जो आपके सामने है उसके लिए क्या पूछना। हाथ को आरसी, तो पढ़े लिख जो पढ़ा लिखा उसको क्या फारसी, ये पूरा
लोकति है जी, हाथ को आरसी और पढ़े लिखे को क्या फारसी, यानी जो चीज आप जानते हैं जो आपके सामने है उसके पूछने की तो फिर जरूरत ही नहीं है। गुण योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम, यह अर्थ किस लोकति का है? 19 नंबर में आंका अंधा नाम नेन सुख, अंधो में काना राजा, आंका अंधा गांठ का पूरा, अंधे के हाथ बटेर। तो इसका होगा जी गुण योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम होता है आंख का अंधा नेन सुख, तो इसका होगा जी 1 नंबर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग किया गया है? तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, मेरा यहां रहना तुम्हारे पेट में चूहे कूदने लगते हैं क्या, मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, वह आंखें बिछाकर उससे लड़ने लगा, इसमें से क्या होगा जी? देखिए वाक्य का, इन वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग किया गया, आपको वो बताना है कि कौन सा गलत प्रयोग किया गया है। तो जी मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, ये यहां पे सही प्रयोग कौन सा हुआ है? तो वो हुआ जी 3 नंबर, सही प्रयोग पूछा था इसने। पीछे आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से उसने पूछा था गलत प्रयोग। खटाई में पढ़ना का वाक्य में सार्थक प्रयोग है, बेटी तो ब्याह दी अब क्या खटाई में पढ़कर बैठे रहोगे, उसने घर क्या बसाया लगता है खटाई में ही पड़ गया, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया, दोनों में सुलह हो गई, चलो किस्सा खटाई में पड़ ही गया। सार्थक प्रयोग का मतलब है सही प्रयोग कहाँ किया गया, तो इसका होगा जी बात तय थी लेकिन मौके पर मुकर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। आगे देखते हैं जी 22 नंबर, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकति का सही अर्थ है बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना, बिना आंख के प्राप्त करना, बिना आंख के पक्षी को मारना। 22 नंबर अपना क्या आंसर होगा जी? 2 नंबर, बिना मेहनत के ही उपलब्धि, कोई अचीवमेंट आपने हासिल कर लेना, तो इसका होगा जी 22 का 2 नंबर। एक नागिन और पख लगाई लोकति का अर्थ है जी, नागिन के पख लग जाना, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना, इनमें से कोई नहीं, तो इसका होगा जी आपका 2 नंबर। आगे चलते हैं जी, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के जितने भी मुहावरे व लोकतियां रही हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल के ऊपर इकोनॉमिक्स की 3 वीडियो डाली गई हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप घर पे क्लास ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जूम ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।